सीमा हैदर इस वक्त कई कारणों से खबरों का हिस्सा है और अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि आपको हैरान कर देगी। सभी को पता है कि सीमा हैदर को एक बड़ी फिल्म का ऑफर मिला था जो कि एक रियल लाइफ स्टोरी पर आधारित होने वाली है। अब इस फिल्म को रिलीज से पहले, यहाँ तक कि इसकी शूटिंग से पहले ही सीमा हैदर के सीन और उसके डायलॉग्स सोशल मीडिया पर लीक हो गए हैं। जैसे ये खबर सामने आई, लोग इसको जानना चाहते हैं। बता दें कि इस फिल्म के निर्देशक ने फिल्म के डायलॉग सीमा को भेजे थे ताकि वो इसको अच्छी तरीके से याद कर ले और रिहर्सल कर ले। फिल्म में सीमा हैदर एक रॉ एजेंट के रूप में पाकिस्तान में मौजूद होती हैं और वो आईबी के एक ऑफिसर से बात करती हैं। इस सीन में विवादित मस्जिद ज्ञानवापी को लेकर बात हो रही होती है। ज्ञानवापी काशी के मामले में पाकिस्तान में चल रही साजिश को डिटेक्टिव की लैंग्वेज में कैसे बोला जाएगा, इस डायलॉग को इसमें बताया गया है। फिल्म में ज्ञानवापी में वजू खाने में विवादित फव्वारे का कोड में जिक्र करके आईबी ऑफिसर को सतर्क करती सीमा हैदर नजर आएंगी। बता दें, इसी सप्ताह मुंबई से फिल्म डायरेक्टर जयंत सिन्हा और भारत सिंह आकर सीमा की डायलॉग डिलीवरी टेस्टिंग करेंगे। कुछ साल पहले राजस्थान में एक टेलर की हत्या कर दी गई थी जिसका नाम कन्हैयालाल साहू था। इस फिल्म में इस हत्या का जिक्र होगा और किस तरह से इसको अंजाम दिया गया वो दिखाया जाना है। हालांकि सीमा हैदर की तरफ से किसी तरह का रिएक्शन इसको लेकर नहीं आया है। सीमा हैदर को लेकर अभी सारे मामले साफ नहीं हो पाए हैं और लोग उनको लेकर बातें कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो जासूस हो सकती है। हालांकि उनका कहना है कि वो प्यार में वहां से आई हैं। जब तक इनको क्लीन चिट नहीं मिल जाती है वो फिल्म में काम नहीं कर पाएंगी। आज की स्टोरी के लिए बस इतना ही। इसी तरह की स्टोरीज के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।